अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं नूरियाबाद हाईवे ग्रिल की फिश खाने, और अभी हैं हम हाईवे पे और काफ़ी रास्ता हो चुका है। फिश वहाँ की बहुत अच्छी होती है, तो हम सब साथ हैं। तो बस रास्ता है कोई 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और फिश वहाँ की बहुत मज़े की होती है, और क्लब सैंडविच भी बहुत अच्छा होता है। दो तीन चीज़ें और भी अच्छी होती हैं। तो बस आप पहुँचते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि बहुत अच्छा वहाँ का एम्बियंस है। और ज़ाहिर है हाईवे पे है, हाईवे ग्रिल के नाम से। और आज आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ पर आज क्या क्या खाएँगे, और फिर आप भी वहाँ जा सकते हैं। कराची से इसका रास्ता है कोई 1.5-2 घंटे का, और शाम से अगर आप वहाँ पे जाएं तो बहुत ही अच्छा एक पूरा माहौल होता है। तो चलते हैं। अच्छा, तो ये हाईवे ग्रिल नूरियाबाद का जो रास्ता है, अगर आप कराची टूल प्लाज़ा से आएँ तो 1 घंटा 16 मिनट या 1 घंटा और 15 मिनट और ऊपर चले जाएं, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड होगी। 77 किलोमीटर का ये रास्ता है, और अभी जो सफ़र है वो जारी है, और रिजवान ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, रास्ते में जाते हुए हमें एक और रेस्टोरेंट नज़र आया है, सदाबहार रेस्टोरेंट, और इसका भी खाना बहुत अच्छा है, और रेशमी कबाब और राइस। तो आप अगर ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी खाना खा सकते हैं।
एग्जिट नंबर 8 से। अच्छा जी, तो ये एग्जिट नंबर 8 है, इसका बोर्ड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपने टर्न लेना है हाईवे ग्रिल जाने के लिए। ये आ गया नूरियाबाद, ये एग्जिट नंबर 8। तो यहाँ से हमने एग्जिट लिया हाईवे से और अब हम जा रहे हैं दूसरे रोड पे आना है। एग्जिट लेके हमें दूसरे रोड पे आना है जो हैदराबाद से कराची जा रहा है। हाँ जी, ड्राइवर साहब बता रहे हैं। हाँ, हैदराबाद से कराची जाने वाले रोड पे हमें एग्जिट लेना है। तो ये है जी हाईवे ग्रिल और पहुँच गए हम लोग। झूले भी हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए काफ़ी फन है, बहुत अच्छी हवा चलती है, वेदर बहुत अच्छा होता है। इवन जब लॉकडाउन था तो कराची में, तब भी हम यहाँ आए और खाना यहाँ मिलता था और आराम से फिर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए क्योंकि हाईवे पे है। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। रोहान, आपको मजा आया? खाना कैसा था? अच्छा था, अच्छा था। यहाँ का सबसे अच्छा खाना क्या था? फिश। फिश हाईवे ग्रिल। तो कहाँ गया इसका नाम? ऊपर। तो यहाँ आए और यहाँ की फिश भी खाएं और स्टेक भी तो अच्छी थी। क्यों, स्टेक अच्छी नहीं थी? नॉर्मल। नहीं नहीं, अच्छी थी यार स्टेक। है रोहान, बताओ। अच्छी थी ना स्टेक?
मजे की थी स्टे, ड्रग सैंडविच मजे का था। तो ये तीनों चीजें मंगवा लें यहाँ से, है ना। बाय बाय।